सो है एवरीवन, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अ ब्रांड गेम वीडियो। आज हम लोग खेल रहे हैं राजी एन एंशिएंट एपिक। ये गेम पूरी तरह से बेस होने वाली है हमारे एंशिएंट इंडियन कल्चर के ऊपर। ये गेम के अंदर एक लड़की होती है जिसके भाई को कुछ असुरों ने किडनैप कर लिया होता है, ठीक है। ये देखो, ये नेटफ्लिक्स की गेम है। ये गेम पहले सिर्फ और सिर्फ पीसी पे अवेलेबल थी, पर फाइनली इसका जो है मोबाइल वर्जन भी आ गया है। तुम लोग पीछे देख सकते हो, ये करते हम लोग प्ले। इसको दो मोड है इसके अंदर, एक कैंपेन मोड है और एक स्टोरी मोड है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी मोड को। ट्यूटोरियल हम लोग डिसेबल रखते हैं, ज़रूरत नहीं है हमको। और लैंग्वेज इसके अंदर हिंदी, और गाइस इसके अंदर हिंदी डायलॉग्स है। गेम्स के रिव्यू मैंने पढ़े थे भाई, जब भी गेम मोबाइल के अंदर आया था, नेटफ्लिक्स ने पब्लिश किया था, तो बहुत सारे लोगों के रिव्यू तुम लोगों को देखने मिलेंगे कि गेम के अंदर है ना भाई बहुत सारा क्रैश होता है, लैग होता है गेम। तो तुम लोग देख लो अभी ही कितना लैग हो रही है भाई गेम, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गेम में लैग है, पर देखते हैं अभी। ये ओके हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजी भाई और बहन है। ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, तो तुम लोगों को बता दूँ, पहली बार में पूरी गेम की क्रैश हो गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था मैं। पर अभी पता नहीं कैसे होगा, साउंड आगे पीछे ना हो बस इसका। और ये उनकी सारी दुनिया थी, ये छोटा सा मेला। करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे, यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई, उसने भाई से पूछा। और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार। अच्छा, रक्षाबंधन का दिन था उस टाइम पे। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे। पूरी राजस्थान के लिए जो लोग राजस्थान गए होंगे ना, वो लोग और दर्शकों रिलेट कर पाएंगे राजस्थान के लोग। और गोलू प्राचीन समय की कट पुतलियों की कहानी सुना रहा था। जब अभी भी गेम बहुत लैग हो रही, बीच बीच में आवाज लैग हो रही गेम की। आई होप भाई रिकॉर्डिंग में फिर से ये आगे आवाज पीछे ना हो। की बात है, एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। भाई साहब, ये हमेशा ये लोग हमेशा गलत आदमी को क्यों अस्त्र देते हैं। उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। देखा भाई, वरदान ही गलत लोगों को देते हैं भाई, मतलब सारे गलत नहीं होते, ये असुरों को वरदान देते हैं भाई। इतने डेडिकेशन लोग होते हैं ये, और बुरे काम करते हैं। देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। भाई इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी, और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी। असुर आ गया भाई, दानव। जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था, और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गड़ासुर के असुर गोलू को ले गए। अरे भाई, राजी कैरेक्टर बच्ची लैग हो रही है भाई, बहुत गेम लैग हो रही है भाई।
भाई साहब। हमको ये बैक स्टोरी दिखा रहे हैं राजे की। अरे भाई भाई लैग हो रही है भाई, गेम बहुत ज़्यादा गेम ले गए, बहुत ज़्यादा गेम हो गए। नाइस डायलॉग्स भी हिंदी में, ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को। और इन्होंने भाई अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहिए था, मतलब गेम के अंदर भी। देखो उसके पार की छन छन की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और तुम लोगों को भाई मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही सही से, क्या पता, बिल्कुल भी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ब्यूटीफुल लोकेशन तो ब्यूटीफुल है भाई, गेम तो अच्छी बनी है। भाई साहब गेम बहुत खतरनाक लैग हो रही है, तुम मारो नहीं, गेम बहुत गंदी लैग हो रही है। देखो ये बहुत ही छोटी है भाई, मैं कैसे खेल पाऊंगा इस गेम को, गेम ही इतनी लैग हो रही है। भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। ये देखो उनके डायलॉग्स से भी भाई गेम अटक रहा है। मुझे आपकी जरूरत है। वाह क्या स्टैचू है। अच्छा फिर से स्टोरी दिखा रहे हैं। आज हम लोग भाई एक काम करते हैं, स्टोरी देख लेते हैं, गेम पे तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं। उसके भाई और दूसरे बच्चों को गदासुर ले गया। मैंने उससे कहा था कि उसे शक्तिशाली बनना होगा, उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे पॉसिबल नहीं है, पर अभी तुम्हें वो स्टोरी दिखा रहा हूं, गेम प्ले वीडियो में आएगा भाई। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। ओके त्रिशूल ये रहा हमारे पास। ओके क्या ही क्रेजी मतलब एनिमेशन है इसका, तो वाइब्रेशन क्यों हो रही है गेम पीछे, मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है पता नहीं क्यों, गेम के साथ वाइब्रेशंस भी है भाई इसके अंदर। एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ है भाई इधर, ये देखो यहाँ पे भाई डिटेलिंग तो है भाई। ये देखो ये सांड वांड बनाए हुए इन्होंने। अच्छा हम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं गेम, मतलब ओह इतना क्लोज खेल सकता हूँ क्या मैं, पहले बताता तो मैं इतना क्लोज ही खेलता भाई, पूरे एकदम वो प्रिंस ऑफ पर्सिया वाली फीलिंग आ रही मेरे को पता है। ये देखो जंग बिल्कुल शांत नहीं है, वो दिल से सोचती है, वो अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है, वो खंभों पर चढ़ती है, वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। बात तो सही है, बंदी में दम तो। ओ भाई नाना है क्या इधर ही, हर हर महादेव। ठीक है चलो शिव जी का आशीर्वाद भी मिल गया हमको। फाउंटेन क्या फाउंटेन है भाई, ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बना रखे हैं भाई, डिटेलिंग तो है गेम में, पर गेम इनको और थोड़ी ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी। हाँ, गेम बहुत लेट कर रही है, खुद को संभालना होगा,
लेकिन इस आग के मैं मोबाइल नहीं संभाल पा रहा, मैं उसको क्या संभालूं। ये पहले ही हार मान चुकी होती। भाई साहब, बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता। अच्छा देख लेते हैं, चढ़ दोगी भाई राजी? भाई कर्तव्य करती थी भाई, पहले क्या बात करते हो? एक नंबर, एक नंबर भाई। ओ भाई बचा, मेरे को लगा मैं गया नीचे। ओ भाई साहब, गेम बहुत चिपक रही भाई, साउंड भी लेग हो रहा है। तुम लोगों को पता नहीं भाई मैं रिकॉर्डिंग में कैसे दिखाऊंगा, मेरा सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग है, पता नहीं मैं और मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ। बोला जरूर ये, वरना क्या लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके चल जम कर, कूद कूद, पूरा प्रिंस ऑफ पर्सिया वाला फील आ रहा है मेरे को। उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन वहाँ दुर्गा देवी हमारी तारीफ कर रही है, और मैंने बेइज्जती करवा दी उसकी। सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। विष्णु जी सेवेज, बेइज्जती फिर से स्टोरी। भाई अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। अरे यहाँ बच्चों को किडनैप कर रखा है भाई, बहुत लैग हो रही है। किसी ने मेरे भाई को देखा? दूसरी गाड़ी लगे, बहुत लगे, बहुत लगे गेम में, बहुत लगे, और आगे फाइट होने वाली है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और इस लेग के साथ तो अपन नहीं खेल सकते भाई, इसको कहाँ ले जा रहे हो? बहुत ज्यादा लेग हो रही गेम। वो रास्ता ढूंढ लेगी। रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा हमको भी, रास्ता हमको भी ढूंढना पड़ेगा और उसको ढूंढना पड़ेगा। हम लोग कहाँ से, यहाँ से आए थे ना हम लोग, तो वापस नहीं जा सकते। वेरी नाइस, वहीं से जाना होगा भाई साहब। देखो स्टेचू पूरा फॉग फॉग भाई, क्या क्रेजी चीज बना रखी है भाई, देख रहे हो? बहुत लग, बहुत लग, बहुत लग, गेम लग खतरनाक वाली। यार एक रास्ता राइट में भी जा रहा है और जहाँ तक मेरे को लग रहा है यहाँ पे होने वाली फाइट तो मैं अभी ले नहीं रहा बिल्कुल भी। मुझे पहले इस लैब का जुगाड़ देखना पड़ेगा कि भाई ये लैब क्यों हो रही थी। तो यहाँ चल के देखते हैं यहाँ पर कुछ हो, ये क्या यहाँ पे कुछ सिंबल दिखा रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अच्छा वो देखो वहाँ सामने लेके जा रहे हैं उसको, और आखिर उसको पिंजरे में बंद करके लेके जा रहे हैं। गोल को बचा तो लेंगे हम लोग भाई, कुछ भी हो जाए बचाना तो पड़ेगा। तो काम करते गाइस, इस लेक के साथ तो भाई हम लोग बिल्कुल भी असुर को मार नहीं पाएंगे। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से भाई इस लेक का भी मैं तोड़ लूँगा। अगर तुम लोग वो भाई इंडियन वाली ऐसी इंडियन कल्चर बेस्ड गेम पसंद है तो तुम लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको भी पता चल के भाई राजी जो अभी फाइनली मोबाइल के अंदर आ गया है, ताकि तुम लोग भी खेल सको। रहा इस गेम को खेलने के लिए तुम्हारे पास स्पेसिफिक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, वो चाहे एक मंथ का हो या एक साल का। मैंने भी इसके लिए 199 का सब्सक्रिप्शन लिया था, तभी मैं इसको खेल पा रहा हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा रिग्रेट फील भी कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं ख़रीदना चाहिए था भाई, क्योंकि गेम बहुत लगे, बिल्कुल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। शायद से ये मेरा एंड्रॉयड मोबाइल है इसलिए हैंडल ना कर पा रहा हूँ।
और इस गेम को भी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।